फ्रेंड्स, टाइटल और थंबनेल पढ़ के तो आपको पता ही चला होगा आज की वीडियो ये किस टॉपिक के ऊपर है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये मेरा हीरो होंडा हंक है, 13 साल पुराना, 2008 का ये मॉडल है। इसका आप एक बार दोस्तों रीडिंग चेक कर लो, 74929। और ये ट्रिप मीटर भी मैंने दोस्तों ज़ीरो किया हुआ है। इसका जो पेट्रोल का टैंक है ये मैंने फुल एम्प्टी किया हुआ है, फुल एम्प्टी करके मैंने 1 लीटर पेट्रोल इसमें ऐड किया है। और ये 2.2 लीटर का पेट्रोल का बैकअप टैंक रखा है। तो दोस्तों आज मैं विरार से अंधेरी ईस्ट जाने वाला हूँ, उसका टोटल किलोमीटर उतना ही है, 55-56। इसका माइलेज टेस्ट दोस्तों मैंने 3-4 साल पहले किया था हाईवे में, तो भी उस टाइम भी माइलेज 53-54 ही आया था। तो रिसेंटली दोस्तों मैंने इसका सर्विस किया हुआ है, इंजन ऑयल चेंज, न्यू एयर फिल्टर चेंज और स्पार्क प्लग चेंज, वो कल ही किया था, उसका मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो दोस्तों चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चेक कर लो किलोमीटर रीडिंग्स, 59 किलोमीटर हो चुका है। और ये 13 साल पुराने बाइक के लिए माइलेज काफ़ी है। ये देखो मैं इंटरेस्ट एयरपोर्ट के यहाँ पे भी पहुँच चुका हूँ। ये है अंदर ही इसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे फ्यूल टैंक में अभी भी पेट्रोल है, मेरा गाड़ी अभी तक बंद नहीं हुआ है, बट मैं मेरे लोकेशन तक पहुँच चुका हूँ। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो माइलेज इतना क्यों मिला है, क्योंकि मैं हाईवे से सिटी से हाईवे में आने के लिए मेरा 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसके बाद मेरा गाड़ी कंटिन्यू टॉप गियर पर था, इसके लिए है। क्योंकि लास्ट टाइम भी 3 साल पहले मुझे इतना ही माइलेज मिला था, 55-54 समथिंग मिला था माइलेज, और ये बहुत अच्छा माइलेज है। बट दोस्तों ये सिटी में माइलेज ये बाइक को कभी नहीं मिलेगा, सिटी में समझो 35-40 का मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो का पर्पज़ इतना ही था माइलेज टेस्ट करना। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल सा ये वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।